पापा बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि गणपति जी के टाइम पर इस वक्त पे हमारी फिल्म का प्रमोशन हो रहा है और गणपति जी का आशीर्वाद है कि फिल्म इंशाल्लाह बहुत बड़ी हिट होगी। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा प्रमोशन ही गणपति जी से स्टार्ट हुआ है और गणपति पप्पा हमारी मूवी को बहुत ज़्यादा हिट करें और मैं ये दुआ करती हूँ कि हमारी मूवी में जितनी भी टीम हमारी मूवी के साथ जुड़ी है उन सबको अच्छा सपोर्ट मिले, अच्छा काम मिले। बस मैं यही पप्पा से दुआ करती हूँ। हॉरर मूवी है, लव स्टोरी क्या है? 3 नवंबर लाइक मर्डर मिस्ट्री फिल्म और थोड़ा सस्पेंस है, थ्रिलर है और बहुत प्यारा सस्पेंस है और इस फिल्म को आप देखने ज़रूर जाना। मैं चाहता हूँ जितनी लंबी लाइन लगी ना गणपति जी के लिए इतनी लंबी लाइन लगनी चाहिए थिएटर में टिकट्स के लिए। एक बार दिखा देना लाइन। और बहुत प्यारी मूवी है, लव है, रोमांस है, सस्पेंस है, नॉट लाइक हॉरर, थ्रिलर मूवी है। ये मूवी देखने जब भी लोग जाएंगे उनका लास्ट तक सस्पेंस नहीं खुलेगा और सब लोग यही सोचेंगे कि अभी क्या होने वाला, अभी क्या होने वाला, लेकिन उन लोगों का जो सस्पेंस है वो मतलब लास्ट तक नहीं खुलेगा। ये मूवी इतनी अच्छी है और हमारी होल टीम ने बहुत मेहनत की है। कबीर जी ने और हमारे प्रोड्यूसर जो प्रीतेश जी वो आना चाहते थे अभी यहाँ पर बट किसी रीज़न से वो नहीं आ पाए। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस मूवी के लिए
और हमारी मूवी की लोकेशन बहुत अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑडियंस को लोकेशन देख के बहुत मज़ा आएगा, तो बहुत अच्छी मूवी है, लोकेशन बहुत प्यारी है। मूवी रिलीज़ होने वाली, मूवी की कतार में, रिलीज़ की कतार पे है, तो नर्वस है या एक्साइटेड है? नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे बड़े पर्दे पे खुद को देखने को मिलेगा और मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली की मतलब बहुत उनको ये क्रेज़ है मुझे बड़े पर्दे पे देखने का, तो टच वुड उनका जल्दी ये सपना पूरा होने वाला है। थोड़ा सा नर्वस हूँ कि यार पता नहीं पब्लिक एक्सेप्ट करेगी मुझे या नहीं एज एन एक्टर या एज एन स्टार, पर कॉन्फिडेंस है कि बहुत प्यारा काम हुआ है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। हमारे डायरेक्टर जो हैं वसन जी, वो कहीं और किसी और शूटिंग में बिजी हैं, इसलिए नहीं आ पाए। बस दुआ करता हूँ यार जो नर्वसनेस है वो पॉजिटिवनेस में बदल जाए फिल्म के बाद, और ऑडियंस को मेरा काम पसंद आए, इनका काम पसंद आए, फिल्म हिट हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा सा पीछे सुन सर, थोड़ा सा घूम जाइए, थोड़ा सा जय भाई इकड़े इकड़े हेलो, कौन है? सुनील वाली आपका भाई।
थोड़ा थोड़ा काफी होता है क्योंकि बड़े बड़े स्टेज में आप बहुत लोगों को आशा के मौत करते हैं आप तो भी लोगों को ऐसा ही है क्योंकि लोग लाइन में खड़े हैं तो थोड़ा थोड़ा आपका जो व्यापक हो गया है। आज यहाँ पर आप सब ने हम सबको बड़ा भी जो सम्मान दिया ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें और प्यार बनाए रखें। अंधेरी का राजा जो है गणपति बापा जो है हमारे अंधेरी का राजा ये वाकई राजा है हमारी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए हमेशा अंधेरी में ही आते हैं और हम जब भी यहाँ पर आते हैं बुलाए हमारा सौभाग्य कि हमको बुलाया जाता है और पापा का आशीर्वाद मिलता है। इस मंडल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ हमारी अचीवमेंट्स होती रहती है तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ पापा का और मैं समझता हूँ कि पापा की कृपा हम सब पे बनी रहे। इको फ्रेंडली गणपति के बारे में आपको क्या कहना? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अभी मैं देर दिन के विसर्जन के लिए गया था देखा मैंने दूसरे दिन कि जो मिट्टी के और बाकी सब चीज़ों के गणपति होते हैं वो ठीक से विसर्जित नहीं हो पाते हैं तो इको फ्रेंडली होना चाहिए उससे क्या होगा एनवायरमेंट भी अपने आप साथ में रहोगे उसके और आपकी भक्ति भी होगी और मुझे लगता है कि पापा भी यही चाहते हैं। अभी आपने कहा बार बार देखो मूवी देखने लायक नहीं होती तो अभी जैसे पिक्चर आई है बार बार देखो क्या वो लगता है देखने लायक है या नहीं? बार बार देखो फिल्म देखने के बाद रतन नूरा ने कहा मैंने कहा सर कैसी लगी फिल्म बार बार देखो फिल्म का नाम है बार बार देखो। हाँ फिल्म को देखा दिल नहीं कर रहा था कि एक बार भी देखो तो अभी क्या करेंगे अभी बस इतना दिमाग खराब हुआ है कि दिल करता है साला बार बार देखो। इससे अच्छा होता कि मैं योगेश की फिल्म के लिए रुक जाता फिल्म का नाम है दिल साला सनकी है कम से कम मेरे सन की और मेरे डॉटर की फिल्म तो है। सर आपकी फिल्म आने वाली है दिल साला सनकी तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है 23 को और गाना जो है जी म्यूजिक के पास है जो टाइटल ट्रैक ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है एंड इट्स बीन लव्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल तो मैं चाहूँगा कि आप सब ये फिल्म देखें। और अब आया हूँ यहाँ पर अंधेरी के राजा में पहली बार आया हूँ कभी आया नहीं था इसके पहले बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है यहाँ का तो ये चाहूँगा कि सभी खुश रहें लोगों की मदद करें और गणपति बप्पा मोरे। सर जैसे कॉमेडी जैसे आप भी कॉमेडी है कॉमेडियन ने ट्वीट किया था रिसेंटली कपिल जी ने कि उन्हें हर साल 15 करोड़ टैक्स भरना पड़ता है वो भरने के बाद भी उन्हें ना BMC वाले 5 लाख रुपये मांग रहे हैं उनके ऑफिस बनाने में और उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आ गए बाकी अच्छे दिन आ गए तो इस बारे में क्या कहते हैं? कपिल शर्मा जो है बहुत अच्छे कॉमेडियन बहुत बड़े कॉमेडियन है इस वक्त पूरे दुनिया के सबसे महंगे कॉमेडियन है और मैं उनको एज ए फ्रेंड भी जानता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को हंसा रहे हैं दिल में उनकी कोई बेमानी है नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो रहा है इस केस को समझने में। ट्वीट किया था उन्होंने मोदी जी को तो मोदी जी ने कहा मित्रा प्यार है मित्रा मैं नरेंद्र दामोदर मोदी आपकी सेवा में हूँ कपिल शर्मा जी आपने सुबह 5 बजे ट्वीट किया मैं PM हूँ AM नहीं लेकिन फिर भी आपका AM समझ गया अगर आपको कोई कष्ट है तो स्पष्ट बताएं यहाँ मैं मन की बात सुनने को तैयार हूँ मित्रों जब तक मैं आपका प्रधानमंत्री हो मत रहो आपकी समस्या सुनी जाएगी अगर दिल्ली में है तो नरेंद्र सुनेगा अगर मुंबई में हो तो देवेंद्र सुनेगा मित्रों सब ठीक हो जाएगा मेरा दोस्त हंसाने वाला कपिल शर्मा रो रिया ये क्या हो रिया सब ठीक होगा गणपति बाप्पा मो रिया। Thank you.
Thank you so much.